प्यारे बच्चों, आप लोगों का वर्चुअल क्लास में आज स्वागत है। लास्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाया गया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। वहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था उदाहरण लेकर, एग्जांपल लेकर के, कि ए और बी दो मैट्रिक्स थे, तो ए और बी आपने कैलकुलेट किया था, कुछ वैल्यू इसकी आई थी। उसके बाद आपको होमवर्क दिया गया था कि बी इंटू ए कैलकुलेट कीजिए, इसकी भी कुछ वैल्यू आई होगी। अब आप दोनों से कंपैरिजन किए होंगे वहां पर कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी की वैल्यू और बी ए की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं होगी। इससे यह प्रूफ होता है कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कभी भी कमुटेटिव नहीं हो सकता, यानी ए बी और बी ए की वैल्यू इक्वल नहीं आ सकती। ठीक है, आज इसी बेस पर हम अदर एग्जांपल लेकर के आपको प्रूफ करवाएंगे, कुछ वैल्यू फाइंड आउट करवाएंगे। सपोज किया कि ए कोई मैट्रिक्स गिवन है जिसका ऑर्डर 2x2 है, मैट्रिक्स ए 2x2 मैट्रिक्स, फर्स्ट एलिमेंट 1, फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट -1, सेकंड रो फर्स्ट एलिमेंट -1 एंड सेकंड रो सेकंड एलिमेंट 1, देन प्रूफ दैट ए क्यूब इक्वल टू 4a, ए क्यूब इक्वल टू 4a, ये आपको प्रूफ करना है। अब फर्स्ट ए क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और 4a वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है या नहीं है। तो LHS वैल्यू ए क्यूब, ए क्यूब वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्ट हम ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, राइट द वैल्यू ऑफ ए मैट्रिक्स 1 -1 -1 1, 1 -1 -1 एंड 1। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल लास्ट वीडियो में आपको बताया गया था कि फर्स्ट एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करेंगे। करस्पॉन्डिंग मीन्स यानी फर्स्ट एलिमेंट 1 इंटू 1 देन प्लस -1 इंटू -1, सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा 1 इंटू -1 एंड प्लस -1 इंटू 1। सेम पैटर्न, अब सेकंड रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पे आपको फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, एंड सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए -1 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 1। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, 1 इंटू 1 सबको पता है कि 1 होता है, 1 -1 इंटू -1 वो भी प्लस 1 हो जाएगा, यहां -1 आएगा एंड माइनस -1 इंटू 1 -1, यहां माइनस इंटू 1 -1 -1, यहां पे माइनस इंटू -1 प्लस 1 एंड प्लस 1 इक्वल टू।
माइनस वन माइनस टू, ये आपका माइनस टू और टू, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट किया ए स्क्वायर की। अब ए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए ए क्यूब इक्वल ए स्क्वायर इंटू ए, ये फाइंड आउट करेंगे। अब ए स्क्वायर की वैल्यू यहां राइट करेंगे, टू माइनस टू माइनस टू एंड टू, और ए वैल्यू वन माइनस वन माइनस वन वन इक्वल। अब सेम पैटर्न पे यहां भी मल्टीप्लाई करना है, टू इंटू वन प्लस माइनस टू इंटू माइनस वन, फिर टू इंटू माइनस वन प्लस माइनस टू इंटू वन माइनस टू इंटू वन एंड प्लस टू इंटू माइनस वन, फिर सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू इंटू वन इक्वल, टू इंटू वन टू हो गया, फिर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू हो जाएगा, टू इंटू माइनस वन माइनस टू, फिर अगला भी माइनस टू ही मिलेगा आपको, यहां पर माइनस टू इंटू वन माइनस टू एंड माइनस टू, ये हो जाएगा प्लस टू इक्वल, टू प्लस टू फोर हो गया, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर हो गया, माइनस फोर और आपका फोर, ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर लिया एलएचएस की, यानी ए क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट हो गई कि ए क्यूब की वैल्यू ये आएगी, पहला रो फोर माइनस फोर, सेकंड रो माइनस फोर और प्लस फोर। अब इसी प्रकार हम आरएचएस की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आरएचएस आपका है फोर ए, फोर इंटू ए वैल्यू है आपकी वन माइनस वन माइनस वन वन। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी में आपको बताया जा चुका है कि जब भी किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस स्केलर से मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया कि 4 से मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी को आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये आपका हो गया 4 इंटू वन, ये आपका 4 आएगा, 4 इंटू माइनस वन माइनस फोर आएगा, या एक स्टेप और लिख देता हूं, 4 इंटू वन 4 इंटू माइनस वन 4 इंटू माइनस वन 4 इंटू वन, यह आपने देखा कि 4 से इस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब इक्वल इसका रिजल्ट जो आएगा 4 माइनस फोर माइनस फोर एंड फोर। अब दोनों वैल्यू का कंपैरिजन हम करेंगे, एलएचएस की वैल्यू और आरएचएस की वैल्यू। अब हम ये देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल है, यानी एलएचएस वैल्यू इक्वल टू आरएचएस वैल्यू। मींस क्या हुआ, ये प्रूफ हो गया कि ए क्यूब इक्वल टू 4a मिलेगा। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही, कल नेक्स्ट टाइम और भी आपको दूसरे एग्जांपल लेके पढ़ाया जाएगा।